शिक्षक दिवस है और हम सभी जानते हैं कि एक राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की क्या भागीदारी होती है, उनकी कितनी अहम भूमिका होती है। लेकिन आज हम रांची के मोरहाबादी मैदान में अभी हैं और मेरे पीछे आप एक तस्वीर को देख रहे होंगे जो शिक्षक यहाँ पर उपस्थित होकर कई मांगों को लेकर आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन करने को मजबूर हैं। दरअसल 16 टेट के शिक्षक हैं, जे टेट के, जो पास करने के बाद अभी तक इनकी नियुक्ति नहीं हुई है और इसको लेकर के लगातार ये आंदोलनरत है। आज तकरीबन 4 साल बीत गए हैं और 4 साल के बाद ये तस्वीर, जब आज शिक्षक दिवस के मौके पर ये तमाम लोग कोरोना के विपरीत परिस्थिति में यहाँ पर मौजूद हुए हैं धरना प्रदर्शन करने के लिए। हमारे साथ ये तमाम शिक्षक हैं, इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या कुछ मांग है, अब तक क्या कुछ हो पाया है इस पूरे मामले में। सर, हम लोग 2016 में ही निकले हुए हैं, ठीक है, और उस वक्त ऐसा हुआ था कि हम लोग जब एग्ज़ाम लिखे तो रिज़ल्ट को आने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा, सब कुछ हो चुका, सर्टिफिकेट ऐसे हाथ में दिया गया जैसे कि हमें तुरंत स्कूल दिया जाएगा, तुरंत नौकरी दी जाएगी, ठीक है। पर हम लोग रिसीव किए उस समय सर्टिफिकेट, पर आज हम 2020 में जी रहे हैं, 2016 में हमने क्लियर किया है, 2020 में हम पहुँच चुके हैं और अब हमारे पास कुछ भी नहीं है, ना नौकरी है, ना स्कूल है, कुछ नहीं, सिर्फ हमारे पास सर्टिफिकेट। निश्चित तौर पे, तो आपने सुना, क्यों यहाँ पर आए हैं, क्या मजबूरी है आप लोगों की? हम लोग सरकार को अपना ये संदेश देना चाहते हैं कि हम लोग को जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया किया जाए। निश्चित तौर पे जल्द से जल्द नियुक्ति दी जाए। कहाँ से आई हैं आप, क्यों परेशान कर रहे हैं? हम लोग गृहटी से आए हुए हैं सर, और हम लोग इसलिए आए हुए हैं क्योंकि हम लोग की जो एग्जाम्स की शुरुआत हुई थी वो 2016 में हुई थी, ली गई थी, लेकिन आज 2020 हो जाने के बाद भी हम लोग की नियुक्ति नहीं हो पाई है। निश्चित तौर पे नियुक्ति नहीं हो पाई है, आज उसी का दर्द जो है शिक्षक दिवस के इस मौके पर हम लोग यहाँ पे इस दर्द को मुख्यमंत्री जी के साथ बांटने आए हैं। और भी कुछ शिक्षक हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। 4 साल हो गए तकरीबन, लेकिन अभी तक इनकी बहाली नहीं हो पाई है, इसी को लेकर के आज यहाँ पर उपस्थित हुए। हम लोग 2016 में टेट का एग्जाम दिए, पास किए हैं सर हम लोग, और हम लोग का पात्रता परीक्षा सह नियुक्ति परीक्षा था सर, और हम लोग को अब सीधी नियुक्ति होना चाहिए था सर, बहाली निकलना चाहिए था, लेकिन 4 साल निकल गया सर, हम लोग को अभी तक नियुक्ति, हम लोग बहुत झेल रहे हैं सर। हम लोग ये मतलब कि अब कितना, मतलब कि एज उम्र सीमा निकल गया सर, और कितने का अब निकल भी जाएगा 1-2 महीना में, इस तरह से सारा सर्टिफिकेट का भी वैलिडिटी ख़त्म हो रहा है, इसका भी समय ख़त्म हो रहा, अब कितने का ये सर्टिफिकेट इनको दिया गया था, लेकिन 4 साल बीतने के बाद भी इस पूरे ये सर्टिफिकेट केवल अब देखने के लिए रह गया है। एक तस्वीर मैं आप लोगों को और दिखाता हूँ, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि ये तस्वीर दिखाए। दरअसल ये मैसेज कहीं ना कहीं सरकार को देने की कोशिश की गई है, आप देख रहे होंगे जो तमाम लोग जो है टी शर्ट पहनकर खड़ा होकर जो प्रदर्शन कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे कि जिस तरीके से ये लोग हेमंत सरकार को कह रहे हैं कि हेमंत सरकार अपना वादा पूरा करे, शिक्षक नियुक्ति को जल्द करे सरकार, बेरोजगारी भगाओ, झारखंड बचाओ, तमाम तरह के मैसेज कहीं ना कहीं शिक्षकों के द्वारा देने की कोशिश की जा रही है। और तो और, अगर एक टीचर आत्मदाह करने की बात करे तो निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े होते हैं, व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, सूबे की व्यवस्था पर सवाल खड़े होते हैं, और निश्चित तौर पर राष्ट्र निर्माण में जो शिक्षकों की अहम भागीदारी होती है उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। जब एक शिक्षक ये कहे कि मुझे आत्मदाह करने की अनुमति दी जाए, अन्यथा हमें रोजगार दी जाए। और भी कुछ लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, क्यों आई हैं मैम यहाँ पर? हम लोग अपना नियुक्ति बहाली प्रक्रिया शुरू करने के मांग करने के लिए आए हैं। हम लोग 2016 में टेट क्लियर किए और अभी 2004 साल हो गया और उसका वैधता वैलिडिटी भी खत्म होने वाला है। मुख्यमंत्री से कोई बातचीत हो पाई, शिक्षा मंत्री से कोई बातचीत हो पाई है? सर, हम लोग कई एक MLA को हम लोग दिए हैं, मतलब ज्ञापन। जनप्रतिनिधि से कहाँ से आई हैं आप? जी सर, हम सिमडेगा से हैं। सिमडेगा से, तो तमाम पूरे सूबे से यहाँ पर शिक्षक आए हुए हैं। और भी कुछ लोग से बात करेंगे, क्यों आए हैं यहाँ पर? सर, हम लोग शिक्षक नियुक्ति को लेकर आए हैं, हम लोग को एग्जाम दिया टेट। अब तक कोई सफल वार्ता हो पाई नहीं? सफल वार्ता अभी तक नहीं हो। आज क्या करेंगे आप लोग? हम लोग अभी सर्टिफिकेट जलाने का काम किए हैं और फिर जैसा होगा आगे का हम लोग रणनीति तैयार करेंगे। आगे की रणनीति तैयार होगी। कहाँ से आए हैं आप, क्यों यहाँ पर प्रदर्शन? सरायकेला जिला से आए हुए हैं, तमाम साथियों लोग दूर दूर से सभी जिले से आए हुए हैं। हम लोग 2016 के जेटेट सफल अभ्यर्थी हैं। हम लोग सरकार से अनुरोध करते हैं कि हम लोग को सीधे सीधे नियुक्ति शिक्षक दी। तो निश्चित तौर पर सीधे सीधे नियुक्ति दी जाए सरकार से, सीधा सीधी ये मांगे, क्योंकि कोरोना में डर नहीं लग रहा जो आप लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं? ना सर, जिंदगी सेफ नहीं तो कोरोना क्या चीज़ है? अब घर में ऐसे ही पड़े हुए रहते हैं, उतना पढ़े लिखे शिक्षित हैं, हमको हकदार है, टेट पास करके 4 साल से इंतजार में बैठे हैं। शिक्षा मंत्री से इससे पहले मैं व्यक्तिगत रूप से 2 बार मिला हूँ,
उन्होंने यही आश्वासन दे दे खाली कोरोना कोरोना। अरे भाई हम बोलते आपके झारखंड में ही कोरोना है, बिहार यूपी राजस्थान में मध्य प्रदेश में कोरोना नहीं है। आप अपना कोरोना का बहाना बना के सरकार अपना वादा पूरा करे। जी तो निश्चित तौर पे आपने देखी ये तस्वीर, कोरोना है, कोरोना से डर अगर रहेगा, कोरोना से डर के अगर घर में रहेंगे क्या जीवन चलेगा? लोगों का साफ तौर पे कहना, जब रोजगार नहीं रहेगा तो क्या करेंगे? कोरोना से भी मरना है, बेरोजगारी से भी मरना है। तमाम सवालात और इन्हीं सवालों के साथ ये तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हुए हैं, शिक्षा मंत्री के सामने, मुख्यमंत्री के सामने, प्रशासन के सामने, सरकार के सामने सवाल कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि इनकी सीधी नियुक्ति की जाए।